दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं पिक्सलवर्स के बारे में और आपको बताऊंगा कि कितने लेवल तक कितना कितना प्रॉफिट मिला है। आज की छोटी सी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और लेवल वन से लेकर लेवल चार वालों को अभी तक किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं मिला, तो उन्हें क्या नेक्स्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो एलिजिबल हैं या नहीं है, सारी डिटेल आज की छोटी सी वीडियो में बताऊंगा। छोटी सी वीडियो के एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल तारिक इंस्पायर के ऊपर पहली बार या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मजीद ऐसी वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल तारिक इंस्पायर को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल का नोटिफिकेशन उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि मजीद आपके लिए ऐसे अच्छी और इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस लेके आ सके। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने इसे लास्ट में से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहां पर जो भी इंस्टेंट लूट आते हैं उसकी किसी किस्म की कोई अपडेट वगैरह आती है, एयर ड्रॉप की अपडेट, एयर ड्रॉप जो भी आते हैं वो सबसे पहले आपको मिले टेलीग्राम चैनल के अंदर ही मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम तारिक इंस्पायर के नाम से आप टेलीग्राम के ऊपर आकर सर्च करोगे तारिक इंस्पायर तो फर्स्ट नंबर पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। लास्ट में से इसे जाकर ज्वाइन करें। और यहां पर सबसे पहले मैंने अपने टेलीग्राम में ही अनाउंसमेंट कर दी थी, ये आप देख सकते हैं कि आपको जो है ना कितने लेवल तक जो है ना वो प्रॉफिट मिला है। ठीक है ना, अगर जिस किसी का लेवल वन है तो उससे अभी तक किसी किस्म का कोई प्रॉफिट नहीं मिला। लेवल टू से लेकर लेवल फोर तक जो है ना वो 10 टोकन मिले हैं, उसके बाद लेवल फाइव से लेकर लेवल सेवन तक 230 टोकन मिले हैं। ठीक है ना, और लेवल एट से लेवल नाइन तक जो है ना वो 690 टोकन मिले हैं, और लेवल 10 प्लस जो है ना जिनका भी है उससे 5210 टोकन मिले हैं। ठीक है ना, तो ये इनका फिलहाल डैशबोर्ड या फिर रूल ऑफ रिसीविंग टोकन ऑन डैशबोर्ड ऑल्सो सेम। ठीक है ना, आपके जो बोर्ड है और डैशबोर्ड है दोनों के जो है ना लेवल सेम होने चाहिए, तभी जाके आप लेवल के लिए एलिजिबल होंगे। और इन्होंने जो एयर ड्रॉप अनाउंस किया है वो जस्ट लेवल तक ही दिया है, यानी कि अगर आपका लेवल वन है टू है जो भी आपका लेवल है आपको एयर ड्रॉप उसी हवाले से ही दिया जाएगा। ठीक है ना, ये नहीं है कि टोकन की बुनियाद के ऊपर, जैसे कि यहां पर मैंने लेवल वन का एक जो है ना वो टेलीग्राम ओपन किया हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं 13 मिलियन है और यहां पर लेवल वन है, और अगर मैं जो है ना यहां पर क्लेम के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको जो है ना अगर आपका लेवल वन है तो आपको यहां पर नेक्स्ट करते हैं तो यहां पर आपको जीरो देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपका लेवल वन है और आप नेक्स्ट इसमें पार्टिसिपेट करके यानी कि आपने ज्वाइन किया हुआ है, मेहनत की हुई है और आपको नेक्स्ट इसका जो है ना एयर ड्रॉप का जो सीजन टू आएगा उसमें आपको यहाँ पर एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, उसके एलिजिबिलिटी के लिए थोड़े से जो है ना इनके रूल्स वगैरह है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मैंने का जो है ना एक डॉक्यूमेंट्स ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्स का जो है ना वो एयर ड्रॉप है। ठीक है ना, इसके अंदर आपको इस एयर ड्रॉप की सारी डिटेल वगैरह मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर आपके ने जो है ना वो पार्टिसिपेट कैसे किया, जो कि ऑलरेडी मैंने अपने ग्रुप्स वगैरह में अनाउंस वगैरह कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर जस्ट जो है ना एयर ड्रॉप मिला है 10%। ठीक है ना, तो बाकी जो कि 90% है ना यहाँ पर आपको डिटेल भी मिल जाएगी कि इन्होंने जो है ना अपने एयर ड्रॉप की सप्लाई का जो है ना अगर हमने एयर ड्रॉप में 100% ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें से हमें सिर्फ 10% ही मिला है। ठीक है, बाकी जो कि 90% है वो अभी जो है ना वो पेंडिंग में है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर आपको 20% मिलेगा। ठीक है ना, आपने 20% के लिए कैसे पार्टिसिपेट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर इसी तरह जो है ना वो आपको 30% और 40% यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी रिमेनिंग जो है ना वो अमाउंट 90% जो है ना वो बाकी है। अब 90% के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जो है ना एक्टिव होकर रहना होगा, यानी कि आपने सबसे पहले अपने लेवल जो है ना वो इंक्रीज करना है, टॉप लेवल तक जाना है। ठीक है ना, तो अगर आपने अभी तक इसे सीरियस होकर काम नहीं किया तो अभी आपने सीरियस होकर काम करना है और इसके जो भी टॉप लेवल है ना आप उस पे जाएं, उसके लेवल आपने कैसे इंक्रीज करना है, यहाँ पर लेवल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपकी लेवल की जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स वगैरह सारी आ जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि पिक्सलवर्स की काफ़ी अच्छी मतलब ज़्यादा कम्युनिटी है, इस वजह से जो है ना इसे हम काफ़ी बार रीलोड करें तभी जाके जो है ना ये अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पर आप देखिए पहले लेवल वन ओपन था, अब लेवल टू ओपन हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं अगर लेवल टू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है ना लेवल थ्री लॉक्ड है, लेवल फोर लॉक्ड है, इसी तरह जो है ना जैसे जाएंगे आगे लॉक किए हैं। यहाँ पर अगर मैं लेवल यहाँ पर जो है ना फोर ओपन करता हूँ तो इसकी यहाँ पर आपको डिटेल्स वगैरह आ जाएगी। ठीक है ना, जो कि आपने जो है ना वो डेली इनकम करनी है वो है 140 के से लेकर 147 के तक। ठीक है ना, और आपके क्वीन होने चाहिए यहाँ पर 5 लाख। ठीक है ना, सॉरी 50,000 क्वीन। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है ना लेवल टू को व्यू करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके क्वीन जो है ना वो होने चाहिए यहाँ पर 50 के से लेकर यहाँ पर 50 के होने चाहिए, और यहाँ पर विन जो है ना वो बैटल आपने 3 विन की हुई हूँ, मैंने यहाँ पर 1 विन 2 विन की हुई है। ठीक है ना, तो इसी तरह जैसे जैसे आपका लेवल जो है ना वो एक ओपन होगा तो यहाँ पर अगर मैं 3 विन कर लेता हूँ बैटल तो ये मेरा लेवल जो है ना वो 2 कंप्लीट हो जाएगा और लेवल 3 के ऊपर पहुंच जाऊंगा। ठीक है ना, तो इसी तरह आपने ये सारे लेवल कंप्लीट करना है। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू आता है लेवल के अंदर या फिर किसी में भी, यहाँ पर आपने क्लेम वगैरह भी ये स्टेप बाय स्टेप करते रहना है। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 13 मिलियन क्वीन है तो हमें जो है ना क्वीन का किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, डेली और टाइम लिमिट वगैरह का और ये कलेक्ट करने का किसी किस्म का कुछ भी, जस्ट हमें प्रॉफिट होगा तो हमें जो है ना NFT का होगा, ये हमें जो है ना क्वीन के बदले और लेवल के बदले आपका जितना हाई लेवल होगा उतने ज़्यादा आपको NFT मिलेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जैसे ही आप इसका जो है
ना वो 20% नेक्स्ट ओपन होगा, ठीक है ना। तो आपने 20% के लिए रेडी रहना है, और जैसे ही इसका 20% लिस्ट होगा यानी कि 20% देना स्टार्ट करेंगे, तो आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। और आपने लास्ट में से किसी ने भी अगर इसे अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ तो अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लो और अपने लेवल वगैरह के ऊपर फोकस करो और अपनी अर्निंग इंक्रीज करो। जैसे ही आपके लेवल जो है ना वो एक्टिव होंगे, और आप मिसाल के तौर पर आपने जैसे इसके ऊपर एक्टिव रहना है, ठीक है ना, काम करना है, तो आप यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट 20% के लिए या 30% के लिए एक्टिव हो जाओगे, और आपको जो है ना लास्ट भी मिलेगा। तो अभी भी टाइम है, सीरियस हो जाओ, इसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करो। तो आई होप आपको छोटी सी वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।